आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग टैली में बजट्स एंड कंट्रोल फीचर के साथ काम करना सीखेंगे। पहले हम बजट्स की बात करते हैं। बजट्स होता क्या है? सो बजट का मतलब होता है कि इट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हम अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का एक एस्टिमेट तैयार करते हैं और फिर हमारे जो फ्यूचर में एक्सपेंसेस या रेवेन्यू जो आते हैं उनके साथ मिलान करके हम ये समझ पाते हैं कि हमारा जो एस्टिमेशन था उस खर्चे को लेके या उस रेवेन्यू को लेके वो हमारा कहाँ तक पहुँचा है, या हमने अपने एस्टिमेशन के हिसाब से कितना काम किया है या नहीं किया है। इस चीज़ को हम लोग टैली में बहुत ही आसानी से इसके साथ काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज टैली में बजट्स एंड कंट्रोल को समझते और काम करते हैं। इस चीज़ पे काम करने से पहले हम लोग देखते हैं कि टैली ने जो हमें बजट्स एंड कंट्रोल फीचर दिया है इसका मेन पर्पस क्या है। टैली में इसका मेन पर्पस है कि आप अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकते हैं इस फीचर्स के थ्रू। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारी एक खुद की कंपनी शुरू हो रही है या हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने नए फाइनेंशियल ईयर में कुछ डिसाइड किए हैं, हमने एक प्लान किया है, हमने एक एस्टिमेशन तैयार किया है कि हम अपने बिजनेस में ये चीज़ों में ये हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जितने हमारे खर्चे होने हैं या लेने हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में दे रखा है कि आपके पास डेटर के लिए इतना रुपए तक, क्रेडिटर्स पे इतना रुपए तक, फिक्स एसेट हमने इतने अमाउंट तक, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने इतने अमाउंट तक का एक एस्टिमेट तैयार कर लिया। अब हम अपने रेगुलर एंट्री पे काम कर रहे हैं, जैसे हमारा रेगुलर एंट्री होते आता है, और इस चीज़ के पूरा होने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम में जाके हम ये चेक कर सकेंगे कि हमारी जो रेगुलर एंट्री का इफ़ेक्ट है और हमने जो एस्टिमेट किया था उसके साथ क्या डिफरेंस या वेरिएंस आ रहा है या हम अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए हम लोग टैली में आते हैं। सबसे पहले हमने एक कंपनी बनाया है जो आपके सामने दिख रहा है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। बजट्स के साथ काम करने के लिए फीचर्स में आते हैं, अकाउंटिंग फीचर में जाते हैं और यहाँ से हम मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल फीचर को यस करते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट होने के बाद हम अकाउंट्स इन्फो में आते हैं। यहाँ से पहले हम एक बजट तैयार कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, नेम है हमारे बजट्स का, मान लीजिए दे दिया बजट 2021। उसके बाद हमने डिसाइड किया कब से, 1 अप्रैल से लागू होगा, कब तक, तो हमने कब तक के लिए दे दिया 31 मार्च तक का लागू होगा। पूरे साल का हमने बजट्स तैयार कर लिए। इसमें क्या होगा, बजट्स में क्या यूज़ होंगे, तो ग्रुप्स को हमने ले लेना है। यहाँ से हमने जो आप एग्जांपल में देखा था आप देख सकते हैं, जो एग्जांपल में हमने ग्रुप के नाम रखे थे उसे देखते हैं। इसमें संडी डेटर है, क्रेडिटर है, फिक्स्ड एसेट्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। चलिए तो हम लोग यहाँ से सैलरी डेटर लेते हैं, ऑन क्लोजिंग बैलेंस इनका अमाउंट कितना है, 35,000 है, 35,000। उसके बाद सैलरी क्रेडिटर ले लेते हैं, सैलरी क्रेडिटर इनका अमाउंट है ऑन क्लोजिंग बैलेंस 20,000। उसी तरह से फिक्स्ड एसेट लेते हैं, ऑन क्लोजिंग बैलेंस और फिक्स्ड एसेट हमारा 25,000 है, और फिर हमारा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो ये 24,000। इस तरह से हमने बजट डिसाइड कर लिया। हम चाहे तो लेजर वाइज भी कर सकते हैं, अगर लेजर को यस करेंगे तो लेजर डिटेल्स भी चुन सकते हैं। तो हमने ग्रुप वाइज ले लिया, उस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले हर लेजर के लिए हमने डिसाइड कर लिया। अब हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद जो हमारा एंट्री है उस एंट्री को तैयार करने के लिए लेजर बनाना होगा, तो हम लोग लेजर बनाते हैं, मल्टीपल लेजर एक साथ बना लेते हैं, ऑल आइटम लेते हैं। लेजर बनाना आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया है कि कैसे बनाते हैं, आपको पता है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, परचेज फर्नीचर। तो चलिए यहाँ पर हमारा एक कैपिटल अकाउंट हो गया। सेकेंड आपका फर्नीचर अकाउंट हो गया। फिर बैंक अकाउंट हो गया, फिर बैंक अकाउंट हो गया,
चलिए एक चीज़ और आपको बता दें, इसमें अगर हम लोग लेजर बना लेते हैं, मान लीजिए हमने 3 लेजर बनाया, बाकी और भी बहुत सारे लेजर बनाने हैं लेकिन हमें नहीं पता, हम अभी नहीं बनाते हैं, हम जब एंट्री करेंगे तब बनाना चाहते हैं, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। आप ट्रांजेक्शन के दरमियान भी लेजर बना सकते हैं, चलिए वो भी हम देखेंगे इसी में। तो हमने अभी बस 3 लेजर बनाए हैं, बाकी हम एंट्री शुरू करते हैं। काउंटिंग वाउचर में आते हैं और सीधे एंट्री करते हैं। पहला है आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सो रिसिप्ट में आएंगे। यहाँ से हमारा सी आर साइट में कैपिटल है 5 लाख रुपीज़ एंड डी आर साइट में कैश होना है। फर्स्ट एंट्री हो गया आपका। सेकेंड एंट्री था डिपॉजिट इनटू बैंक 40,000। कॉन्ट्रा में जाना है इसे, सी आर साइट में कैश होगा आपका 40,000 और डी आर साइट में आपका बैंक हो जाएगा। आपने अब 40,000 कैसे किया, कितने रुपए के कितने पीस नोट आपके थे, ये हो गया। उसके बाद परचेज फर्नीचर है, पेमेंट में जाना है अपने को। यहाँ पे फर्नीचर डियर हो जाएगा, अमाउंट है आपका 20,000 एंड सीआर में आपका कैश होगा। उसके बाद अगले एंट्री पे आते हैं, परचेज गुड फ्रॉम राज ट्रेडर्स, ये परचेज में जाएगा। आपका इनवॉइस मोड खुला है, कंट्रोल भी प्रेस करिएगा। यहाँ से आप राज परचेज, अब राज ट्रेडर्स तो बना नहीं है, यहीं से आप ऑल्ट के साथ सी बटन को दबाएंगे, आपके सामने लेजर क्रिएशन विंडो आ जाएगा। आपके पास लेजर क्रिएशन विंडो आ जाएगा और आप इस लेजर को तैयार कर लीजिए। देखिए आपके सामने राज ट्रेडर्स का लेजर आ गया। परचेज गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स कितना है आपका, 30,000। ये हमने 30,000 स्पेसिफाई कर दिया। एंड परचेज अकाउंट, ये भी आपने नहीं बनाया, चलिए परचेज अकाउंट भी बनाते हैं। ये आपका परचेज बुक में जाएगा। अब आप एक्सेप्ट कर लीजिए, तो आपने परचेज भी कर लिया। नेक्स्ट एंट्री है आपका सोल गोज टू प्रीतम डेप्टर, सेल्स अकाउंट में आते हैं। वाउचर मोड के लिए कंट्रोल भी करते हैं। सेल गुड्स टू प्रीतम है, प्रीतम का भी लेजर हमने नहीं बनाया है, देख लेते हैं। सोल गुड्स टू प्रीतम डेप्टर है, तो यहाँ पे हम लोग ऑल्ट सी करेंगे, प्रीतम अकाउंट कर देते हैं। ये आपका सनरी डेप्टर में जाएंगे और उसके बाद फिर अगला होगा हमारा सेल्स अकाउंट। प्रीतम को कितने का सेल किए हैं, 45,000, 45,000 ले लिया। सीआर में सेल्स भी नहीं बने, एस एल ये सेल्स अकाउंट, यहाँ पे हमने सेल्स कर लिया। अगर आपको इंस्टेंट सेव करना है, कंट्रोल ए दबा दीजिए, आप तुरंत वहाँ आ जाएंगे सेल्स में। और यहाँ पे 45,000 था सेल्स का, यस हो गया। अगला है हमारा पेड सैलरी, पेमेंट वाउचर में जाएंगे। डीआर में सैलरी होगा, ऑल्ट सी करके सैलरी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया, ऑल्ट ए कर कंट्रोल ए कर दिया, सेव हो गया। सैलरी कितना है, 5,000 है, रेंट 6,000, इंटरेस्ट सैलरी 5,000 है। उसी तरह से हम तीनों, चाहे एंट्री रेंट भी है, ऑल्ट सी फिर से दबा लेते हैं, यहाँ से रेंट अकाउंट भी बना देते हैं। इसको भी एक रेंट है हमारा 6,000 रुपीज़, यहाँ पे 6,000 कर लेते हैं। फिर से एक और भी एक्सपेंसेज है जो देना है हम लोग को, देखिए इंटरेस्ट फॉर कैश, यहाँ पे हम लोग का इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है, नहीं है, ऑल्ट सी फिर से करते हैं। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल ए कर लीजिए, ये भी आ गया। इंटरेस्ट कितना है आपका, तो इंटरेस्ट 7,000 है, हमने 7,000 कर लिया। सीआर में आपका कैश हो जाएगा। तो देखिए हमने एक ही साथ कंपाउंड एंट्री कर दिया एक ही में, क्योंकि तीनों हमारा पेमेंट ही था और तीनों पेमेंट था, इसलिए हमने तीनों पेमेंट्स में सैलरी रेंट और इंटरेस्ट को रेस्पेक्टिवली हमने इस पर सेलेक्ट कर लिया और फिर सीआर के साथ हमने इसको कैश में दे दिया। सीआर साइड में कैश हो गया और इस तरह एक्सेप्ट कर लिया, तो हमने सारे एंट्री कर लिए। अब ट्रांजेक्शन होने के बाद आपको लगता है कि चलो अब हमें बैलेंस शीट, अब हमें ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें तो आपको देखना आता है, हमने रिपोर्ट्स में बताए थे, लेकिन अब हमारा बजट्स के साथ क्या कहानी है। तो चलिए हम लोग बजट्स के साथ देखते हैं, हम लोग इसमें बजट्स तैयार करने की कोशिश करते हैं कि बजट्स कहाँ से तैयार करेंगे। तो इसके लिए बजट्स तो हमने तैयार कर लिया है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ बैलेंस शीट में आते हैं, और बैलेंस शीट में आके हम लोग देखते हैं। बैलेंस शीट ये है, आपके सामने बैलेंस शीट खुल गया। यहाँ पे हम लोग एक न्यू कॉलम ले लेंगे,
एक 1/4 से कब तक का है हमारा, तो 31/3 तक का है, पूरा डिटेल देखेंगे। वैसे तो हमने एक ही डेट में सारा एंट्री किया है, क्या देखना चाहते हैं हम लोग, बजट 20 एंड 21। आप वेरिएंस भी देखना चाहते हैं, मतलब आप एक्चुअल और बजट्स के तहत वेरिएंस भी देखना चाहते हैं, तो यस कर दीजिए। अब आपके सामने दोनों आ गया, अब आपके सामने दोनों दिख रहा है। देखिए, आपने फिक्स एसेट्स के साथ जो सोचा था 20 और यहाँ पे 5, दोनों का वेरिएंस आ रहा है। आपने जो डिसाइड किया था, मतलब अभी भी 5000 का आ रहा है, आपने 20 का फिक्स्ड एसेट किया है अभी तक, लेकिन आपने सोचा कितने का था, तो आप देख लीजिए एग्जांपल भी। आपने फिक्स एसेट के लिए 25000 सोचा था, मतलब अभी भी आपका वेरिएंस है कि 5000 आपके बजट से बिलो है, 5000 आपके बजट से बिलो है। उसी तरह से यहाँ पे आपका क्या था, हाँ, ये आपने करेंट लाइबिलिटीज़ में क्या लिया था, सन्ड्री क्रेडिटर का, सन्ड्री क्रेडिटर्स का आपका 30000 दिखा रहा, अभी 10000 का डिफरेंस है। मतलब आपने देखिए यहाँ पे आपने 20000 ले रखा था आपने मैक्सिमम, और आपको दिखा रहा है यहाँ पे 30000, मतलब यहाँ पे 10000 का एक्स्ट्रा वेरिएंस आ रहा है। अगर हम वेरिएंस को हटा दें, आप फिर से आइए, यहाँ स्केप कर लेते हैं, फिर से बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ से हम न्यू कॉलम लेते हैं, 1/4 से 31/3 करते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअल नहीं बजट्स को कॉलम जोड़ लेते हैं, वेरिएंस नहीं रखते हैं, तो फिर आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ बजट्स था 20000 तक, आपका टारगेट बजट्स में था, और आपका यहाँ पे 30000 दिख रहा है। उसी तरह से आपका बजट्स में 25000 का था, और आपने अभी तक 20000 खर्चे किए। यहाँ पे आपका एसेट्स टोटल 35000 डिसाइड किया था आपने, और अभी आपका 5,07,000 का टोटल एसेट्स दिख रहा है, फिक्स एसेट्स नहीं, इसमें आपका कैश इन आउट तीनों दिख रहा है, डेटर का 45000 दिख रहा है, आपने 35 डिसाइड किया था। तो इस तरह से आप सारी डिटेल्स यहाँ देख सकते हो। देखिए डिटेल मोड में कर दिया, आपको क्लियर दिखेगा, 45000 है, यहाँ देखिए 35000 दिख रहा है डेटर का, क्योंकि हमने 35000 टारगेट किया था, यहाँ 45000 एक्चुअली हमारा 45000 है, और बजट हमारा 35000 का था। तो ये आपका बजट्स हो गया, जो यहाँ देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको पीएल अकाउंट के अंदर भी जाके देख सकते हैं, उसी तरह से आप न्यू कॉलम बना लिए, प्रॉफिट लॉस के अकाउंट्स के साथ भी चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप सिर्फ बजट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आप इंटर कर लीजिए, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। देखिए आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ये डिफरेंस है, 24000 सोचे थे आपने, 18000 आया। आप चाहे तो ट्रायल बैलेंस में भी जाके हर अकाउंट्स के साथ देख सकते हैं कि उस अकाउंट के साथ क्या, ट्रायल बैलेंस में चले आइए, इसको आप इसको डिटेल मोड कर लीजिए, और फिर यहाँ से आप न्यू कॉलम ले लीजिए, 31/3 सब में यही करना होता है बजट्स देखने के लिए, और यहाँ से हम बजट्स ले लेते हैं और वेरिएंस छोड़ देते हैं, ताकि दोनों का क्लियर देखें। देखिए आपका किस के साथ, क्रेडिटर के साथ आपका बजट 20000 का बना था, 30000 का हो गया। उसी तरह से आपका फिक्स्ड एसेट में 25000 का बना था, अभी तक एक्चुअली 20000 का हुआ है। तो इस तरह से हम लोग बजट्स के थ्रू अपने एक्सपेंडिचर को देख मिलान करके और कंट्रोल कर सकते हैं। तो बजट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बिजनेस में या किसी की चीज़ की प्लानिंग्स में। हम लोग घर में कोई प्लान कर रहे हो फेस्टिवल का, घर में कोई मैरिज सेरेमनी होता है, तो आप देखेंगे कि अपने घर के जो सबसे, जिसको हम लोग बोलते हैं घर के सबसे मेट लोग हैं, जो कि डायरी लेते हैं और पूरे अपने हिसाब किताब खर्चे का डिटेल्स तैयार कर लेते हैं कि इस पूरे सेरेमनी को ऑर्गेनाइज़ करने में ये चीज़ें मोटे मोटे खर्चे हैं जो इतने तक आएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके उसके इतने ही आएंगे, उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसका कम भी हो सकता है, लेकिन आपके पास एक रफ़ आइडिया आ जाता है, जिससे कि आप अपने एक्सपेंडिचर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं।